अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खान अशरफी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अशरफी कैसेट। नाज़रीन, इस वक्त हम बस खारी शरीफ में आए हुए हैं, जहाँ के सज्जादा नसीन जो थे सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ, मरहूम सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ, उनकी सामने ये खानकाह भी आप जो देख रहे हैं ये उनकी खानकाह है, और इसी में वो मरीज़ देखा करते थे। खानकाह के आसपास के आपको लोकेशन दिखा देते हैं हम। देखिए, चारों तरफ से हदबंदी है और इधर उनका देखिए मेहमान खाना है। हज़रत के जो भी मेहमान होते थे और यहाँ पे रुकते थे, बहुत से मरीज़ आते थे, मरीज़ को देखते थे और इस तरह से वो खातिरदारी लोगों की खिदमत किया करते थे। और आसपास के लोग अहले ख़ानदान के लोग हैं, और कुछ लोग यहाँ पे जो अभी आपको दिखा रहे हैं हम, ये लोग जो है खिदमत गुजार रहा करते थे। इनके भी अभी बयान आपको सुनाएँगे। और ये देखिए, आपको बोर्ड हम दिखाते हैं। उन्होंने सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ एक अपना बोर्ड लगा रखा था, और पास में बगल में एक मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ, जिनके जो उनके साहबजादे हैं, उनको उन्होंने पहले अपने हाथ में ही नायब वजा नशीन बना दिया था। उसमें देखिए बाकायदा उर्दू में लिखा भी हुआ है, नायब वजा नशीन हुजूर साहब सज्जादा, यानी कि फखरुल मशायख सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ के ये नायब सज्जादा नशीन, वो अपने हाथ में ही उन्होंने लिख दिया था इस तरह से। और ये उन्हीं की खानकाह है, यहाँ पर मरीज़ देखा करते थे जब भी उनको वक्त मिलता था, सुबह के टाइम में देखा करते थे और शाम के टाइम में। अब वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, यानी कि विसाल कर गए हैं। अब उनकी जगह उनके साहबजादे हैं, इनका नाम है, देखिए आप बोर्ड में देख सकते हैं, मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ, ये इनका नाम है। और उनको काफ़ी दिन से देखा करते थे मरीज़, अब वो हट गए हैं, तो यानी कि वो पर्दा कर गए हैं, तो उनकी जगह उनके साहबजादे हैं, जैसे कि हमने आपको बोर्ड में दिखाया देख रहे हैं। और मरीज़ों का यहाँ पर ताता लगा रहता था, यहाँ पर देखिए सब भरे होते थे। ये अभी आस्ताना टाइप का जो सहन बना हुआ है, कुछ ग्राउंड है, अभी तो मरीज़ नहीं दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक दौर था यहाँ भरे हुए थे मरीज़, और मरीज़ को देखा करते थे, और साहिब सज्जादा सामने भी बैठे होते थे। देखिए इस तरह से मरीज़ ये जो है मरीज़ हुआ करते बैठा करते। इसमें कुछ खिदमत गुजार भी बैठे हुए हैं और कुछ मरीज़ भी बैठे हुए हैं। फिलहाल अब आपस में ये लोग बात कर रहे हैं। और इस रूम के अंदर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलहमद रिजवान का खिलका हुआ करता है और अंदर में रखा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे इबादत भी करते थे सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ, और वज़ाइफ़ का भी विर्द किया करते थे। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं उनके साहबजादे सैयद मोहम्मद अशरफ, जो कि हमारी सब देख रहे हैं, और आसपास के भी लोकेशन आपको दिखा सकेंगे। तो अभी तो मरीज़ नहीं है, अभी आप देख सकते हैं जो लोग पहले हुआ करते थे वो अपने काम पे लगे हुए हैं, दिखाई पढ़ाई जाए जो कुछ भी क्या करते थे। और मरहूम सैयद शाह फखरुद्दीन दीन अशरफ की ये गद्दी है जहाँ बैठा करते थे। अभी उनके साहबजादे मसरूफ़ है किसी काम में, वरना उनकी भी ज़बानी आपको कुछ सुना देते। आप फ्रंट ऑफ पहला भी आप देख सकते हैं, इससे पहले आपने इनका शायद इनकी ज़ियारत नहीं किया होगा। अभी आप देखिए, अब हम न जाने कितनी बार हजरत से बयानात ले चुके हैं और उनके बयान को आपको सुना चुके हैं। हमारी बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई, आप चाहें तो देख सकते हैं, इन स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। उनके साहबजादे सैयद मोहम्मद अशरफ मसरूफियत की वजह से हम अभी कुछ इनकी ज़बानी बयान नहीं ले पाए। बहरहाल हमने आपको दिखाया, और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, जो भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। मिलते हैं नाज़रीन फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।